नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले पेंट सेक्टर में काम कर रही उस कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो भी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होल्डर है इनके लिए बहुत ही फायदा कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप लोगों को पता रहेगा जो भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कि बर्जर पेंट के लॉन्ग टर्म के रिटर्न देते लगभग 34,000% के जोरदार रिटर्न दिए लॉन्ग टर्म में। यहाँ से यहाँ तक कोई भी रिटर्न नहीं थे, स्टॉक पूरा फ्लैट था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जर्नी दे सकते बहुत ही शानदार रिटर्न दे। देखिए स्टॉक मार्केट में ऐसे रहते, अगर आप क्वालिटी स्टॉक पकड़ते और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते तो बहुत ही शानदार रिटर्न बनते। तो आपको कभी भी यहाँ पे अच्छी कंपनी के साथ बने रहना चाहिए, कभी भी छोटे मोटे यहाँ पे गिरावट को यहाँ पे डर के कभी भी स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है तभी जाके आपको यहाँ पे शानदार रिटर्न बनते। तो एग्जैक्टली जो आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है बहुत ही फायदा देने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे स्टडी करेंगे जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। देखिए जो स्टॉक है 500 रुपये से यहाँ पे 5,000 रुपये के ऊपर भी रह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बड़ी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का प्लेयर बनना पड़ेगा। एक या दो साल में इतना आसान नहीं होता स्टॉक मार्केट, आपको बहुत ही इंतजार करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, निगेटिव पॉइंट्स कौन से बर्जर पेंट के, और कौन से शानदार यहाँ पे आज के दिन में ब्रेकिंग न्यूज है उसको स्टडी करने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, खुद का स्टडी भी जरूर कीजिए कोई भी स्टॉक लेने से पहले। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट्स के कंपनी देख सकते हैं पेंट सेक्टर में काम करते हैं, और आप लोगों को पता रहेगा इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है और यहाँ पे पेंट का डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है। इसकी वजह से कंपनी आगे जाके बहुत ही बड़ी बन सकते हैं। जैसे कि कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी, लगभग 100 साल पुरानी कंपनी, मतलब सोच सकते हैं बहुत ही बढ़िया कंपनी। और इसका जो मेन प्रोडक्ट है देख सकते हैं केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करते, तो आने वाले समय में आप लोगों को पता रहेगा जो भी केमिकल सेक्टर में काम करते कंपनी उनके दिन बदल सकते हैं। जैसे कि इनके जो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं केमिकल है, उसके बाद कोटिंग्स है, इंडस्ट्रियल फिनिशिंग है, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। लगभग यहाँ पे 3,600 एम्प्लॉय एज पर 2020 के डेटा के हिसाब से। तो ये तो गए कंपनी का प्लस पॉइंट, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही मजबूत है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट देखते कौन सा है। अभी भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते तो आपके पोर्टफोलियो में नंबर 1 और नंबर 2 का जो मार्केट लीडर रहता है सेम सेक्टर में, वो दोनों स्टॉक यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर नंबर 1 यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस करता है तो नंबर 2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली भागता है। जैसे कि पेंट सेक्टर में 2 दिग्गज स्टॉक कौन से है, तो सबसे पहला एशियन पेंट, दूसरा है बर्जर पेंट। और आप लोग देख सकते दोनों भी कंपनियाँ दिन ब दिन अच्छे यहाँ पे परफॉर्मेंस करती जा रही है। और आप लोगों को पता है बर्जर पेंट एशियन पेंट को थोड़ा बहुत टक्कर देता है, तो आगे जाके बर्जर पेंट के दिन बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही तगड़ा है, लगभग 75% के आसपास प्रमोटर ने होल्डिंग करके रखा है। मतलब सोच सकते हैं जो प्रमोटर है अपने कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा दिखाते हैं, तो आगे जाके कंपनी बहुत ही बड़ी बनने के चांसेस है। क्योंकि जो प्रमोटर रहते अगर ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग रहते तो इसका मीनिंग ये रहता है कि प्रमोटर को अपने खुद के कंपनी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। ये तो होगा कंपनी का थर्ड पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस है, इसका मीनिंग ये रहता है कि कंपनी के पास इतना ज़्यादा कैश है कंपनी जब चाहे अपने शेयरहोल्डर को बोनस डिविडेंड स्प्लिट जैसे सर्विसेज दे सकते हैं और आने वाले समय में मालामाल कर सकते हैं। देखिए कंपनी के ऊपर रहता है कि कंपनी को कब देने बोनस और डिविडेंड। जैसे कि 3 साल का डेटा अवेलेबल है, 2020 का है, 2021 का है, 2022 का है, तो आप लोग देख सकते हैं दिन बर दिन का जो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे, इसका मतलब है कि कंपनी आने वाले समय में अपने शेयरहोल्डर को बोनस और डिविडेंड दे सकते हैं। कब देंगे यह कंपनी को पता रहेगा, क्योंकि जिस कंपनी के रिजर्व सरप्लस बहुत ही तगड़े रहते हैं तो उनको बोनस और डिविडेंड आने वाले समय में मिल सकता है। ये तो गए कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट्स। देखिए अगर आप कोई भी कंपनी का स्टॉक ले रहे तो एटलीस्ट कंपनी के ऊपर कर्जा कितना जानने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई कंपनी ऐसे रहती है कि कोई बहुत ज़्यादा कर्जा लेते हैं और कर्जा लेने के बाद क्या होता है कंपनी का जो है बिजनेस होता नहीं, इसकी वजह से स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है। तो आप लोग देख सकते हैं 3 साल का डेटा अवेलेबल है, जैसे कि पिछले 2020 में था 0 करोड़ का कर्जा, 2021 में भी कर्जा नहीं था, 2022 में लगभग 250 करोड़ का कर्जा लिया। मतलब सोच सकते कंपनी बहुत ही बड़ी है, मार्केट कैप लगभग 60,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन कर्जे कंपनी के ऊपर कर्जा सिर्फ 250 करोड़ का है। मतलब आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये पड़े और आपके ऊपर सिर्फ 1,000 रुपये का कर्जा है, इसका मीनिंग यही रहता है। तो शॉर्ट टर्म का बोरिंग दे सकते जैसे कि 3 साल का डेटा अवेलेबल है, एज पर 2022 के डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर 600 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है। मतलब इतना ज़्यादा कर्जा नहीं, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं जैसे कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कोई भी स्टॉक के लिए। नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या रहता है, जो एक्चुअली जो रेवेन्यू आता है जो बिजनेस से, उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी,
टैक्सेस गवर्नमेंट को देने के बाद पूरे एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच रहा है उसको ही नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो 3 साल का डेटा अवेलेबल है, आप लोग दे सकते हैं। 2020 में लगभग 700 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट होता, 2021 में लगभग 680 हो गए, 2022 में लगभग वापस से बढ़ गया, लगभग 800 करोड़ के आसपास इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ही अच्छा साइन आप लोगों का पता रहेगा। अभी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो गया था, तो वापस से आप लोगों को पता रहेगा बहुत सारे प्राइसेस बढ़े थे, फिर भी कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट है मेंटेन रखा है, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। ये तो गए कंपनी के पॉजिटिव साइंस। नेगेटिव पॉइंट्स भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है स्टॉक मार्केट में। कभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आते हैं सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स देख के आते हैं, इसके वजह से क्या होता है वहाँ पे वो सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहते हैं और जब भी मार्केट में करेक्शन होता है वो स्टॉक से भाग जाते हैं, स्टॉक बेच के भाग जाते हैं। तो ऐसे होता है हमेशा रिटेल इन्वेस्टर के साथ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, जैसे कि मिड कैप टाइप की कंपनी या फिर थोड़ी बहुत बड़ी कंपनी लार्ज कैप टाइप की बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो नेचर है मिड कैप स्टॉक जैसा है, लेकिन कभी भी मार्केट में करेक्शन होता है स्टॉक आराम से 40-45% क्रैश हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं लगभग 40-40% तक स्टॉक गिरा अपने ऑल टाइम हाई से। मतलब सोच सकते हैं कभी भी मार्केट में कोई बुरी खबर आती है या फिर करेक्शन होता है स्टॉक मार्केट में तो स्टॉक आराम से 40% से क्रैश हो सकते हैं, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। ये तो हो गया इसका नेगेटिव पॉइंट्स। तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर कर रहे थे, कौन से ब्रेकिंग न्यूज़ है, जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा जो बर्जर पेंट का मेन बिजनेस का है केमिकल सेक्टर में कंपनियां काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो भी केमिकल सेक्टर में कंपनियां काम करते हैं इनके लिए क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा इतना ज़्यादा बिजनेस करने के लिए यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है बर्जर पेंट के लिए। लेकिन कल का न्यूज़ आपने देखा रहेगा लगभग जो क्रूड ऑयल 10% से क्रैश हुआ एक दिन में, जो क्रूड ऑयल की प्राइस क्या अभी लगभग $105 पर बैरल है, मतलब बहुत ही सस्ता हो गए। पिछले 2-3 दिन पहले देखा रहेगा $120 के आसपास था, मतलब बहुत ही महंगा था। जितना क्रूड ऑयल यहाँ पे सस्ता होगा उतना अच्छा है यहाँ पे केमिकल सेक्टर में जो भी कंपनियाँ काम करते हैं, जैसे कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट, आरती इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदा हो सकता है। और यहाँ पे ये भी प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे क्रूड ऑयल लगभग $75 के आसपास हो सकता है पर बैरल। अगर 75 या फिर $65 के आसपास आ जाते क्रूड ऑयल तो बहुत ही बड़ी लॉटरी ले सकते हैं बर्जर पेंट और उनके शेयर होल्डर के लिए। ये तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़। देखिए देखा जाए तो बर्जर पेंट बहुत ही शानदार कंपनी है, लॉन्ग टर्म के रिटर्न भी लगभग 34,000% के आसपास है, मतलब बहुत ही बढ़िया कंपनी, लॉन्ग टर्म भी रिटर्न बना सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है आने वाले समय में, तो यहाँ पे पेंट सेक्टर बहुत ही बड़ा धमाका कर सकते हैं आने वाले समय में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हैवी इन्वेस्टमेंट करना है तो एक साथ मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन खुद का स्टडी जरूर कीजिए। क्योंकि SIP मोड का यही फायदा होता है जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है बॉटम लेवल पे खरीदने के। देखिए अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे टॉप लेवल पे तो आप टॉप लेवल पे अटक सकते हैं, तो धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। जब भी स्टॉक गिरता है तो हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे टॉप लेवल पे हैवी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ये तो था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।